Hello students, today we are going to start our next chapter, मीता's lucky racket. मीता's यानी मीता का lucky होता है भाग्यशाली racket. मीता का भाग्यशाली racket. So students, let's start. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. और अगर आप इससे पहले वाले लेसन्स को रीड आउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन. मीता वॉज ऑन हर वे टू द फ्रेंड्स क्लब. मीता वॉज यानी थी, ऑन पर हर वे यानी उसके रास्ते पर, टू द फ्रेंड्स क्लब. मीता जो है फ्रेंड्स क्लब जा रही थी. She would practice badminton for the next 2 hours. She would वह करेगी प्रैक्टिस यानी अभ्यास बैडमिंटन का फोर के लिए, द नेक्स्ट इन अगले 2 hours, 2 घंटों के लिए वह बैडमिंटन का अभ्यास करेगी. She had a match next week. She had उसका था a match, एक मैच. नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते उसका एक मैच है. एंड और really wanted to do well. और रियली यानी सच में, वॉन्टेड चाहती थी वह टू डू करना वेल अच्छा, और वह सच में अच्छा करना चाहती थी उस मैच में. हर कोच वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद हर. हर कोच उसका कोच वॉज नॉट नहीं था वेरी हैप्पी बहुत खुश विद हर उससे, उसका कोच उससे बहुत खुश नहीं था. बिकॉज शी हैड नॉट डन वेल इन द लास्ट 2 matches. बिकॉज़ क्योंकि शी हैड नॉट डन उसने नहीं किया था वेल यानी अच्छा, इन द लास्ट यानी पिछले 2 matches, 2 मैचों में उसने अच्छा नहीं किया था, इसलिए उसका कोच उससे ज़्यादा खुश नहीं था. दिस टाइम शी वॉज प्लेइंग अगेंस्ट द DPS स्कूल एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग टीम. दिस टाइम यानी इस समय शी वॉज प्लेइंग वह खेल रही थी अगेंस्ट खिलाफ द DPS स्कूल यानी इस बार वह DPS स्कूल के खिलाफ खेल रही थी. एंड और दे हैड उनके पास थी अ स्ट्रॉन्ग टीम, एक मजबूत टीम उनके पास थी. हर पार्टनर विजय वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग. हर पार्टनर यानी उसका साथी विजय वॉज यानी था ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास कर रहा था उसका पार्टनर विजय. हेलो यानी हेलो कॉल्ड मीता, मीता को बुलाता है. एज शी रैन अक्रॉस द कोर्ट टू पुट डाउन हर गियर एंड टुक आउट द रैकेट. एज हेलो मीता को बुलाता है वह. एज यानी जैसे ही, शी रैन वह दौड़ती है अक्रॉस द कोर्ट यानी कोर्ट की तरफ, टू पुट डाउन नीचे रखने के लिए हर गियर अपने गियर को, एंड और टुक आउट बाहर निकालती है द रैकेट अपने रैकेट को. वह जो है कोर्ट की तरफ दौड़ कर जाती है अपना गियर नीचे रखने के लिए और वह अपना रैकेट बाहर निकालती है. हाय 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 यानी शी गोट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस. शी गोट यानी से मिलते हैं रिस्पॉन्सेज होते हैं प्रतिक्रियाएँ, फ्रॉम वेरियस, वेरियस होते हैं अलग अलग तरह की डायरेक्शन यानी दिशाएँ, उसे अलग अलग दिशाओं से हाय हाय के जो हैं रिस्पॉन्सेज मिलते हैं यानी प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं. सी प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड फॉर लॉन्ग आवर्स. सी प्रैक्टिस्ड वह अभ्यास करती है हार्ड यानी कठिन, एंड और फॉर लॉन्ग आवर्स यानी लंबे समय के लिए वह कठिन अभ्यास करती है. शी वॉन्टिड टू बी द काइंड ऑफ प्लेयर whom हर स्कूल could depend on. शी वॉन्टिड वह चाहती थी टू बी बनना द काइंड ऑफ प्लेयर यानी एक प्रकार का खिलाड़ी whom जिस पर हर स्कूल उसका स्कूल कूद सकता था डिपेंड ऑन यानी निर्भर होना. वह एक ऐसा खिलाड़ी बनना चाहती थी जिस पर उसका स्कूल डिपेंड हो सके. एट लास्ट द डे ऑफ द मैच अराइव्ड. एट लास्ट यानी आखिर में, द डे दिन, ऑफ द मैच मैच का दिन, अराइव्ड यानी आ गया, आखिर में मैच का दिन आ गया. मैनी प्लेयर्स वर प्लेइंग एज देयर वर 5 विजिटिंग स्कूल्स एंड इट वॉज अ लिटिल इंटिमिडेटिंग टू सी सो मैनी पीपल प्लेइंग ऑन द बैडमिंटन कोर्ट्स. मैनी प्लेयर्स यानी बहुत सारे खिलाड़ी वर प्लेइंग खेल रहे थे एज क्योंकि देर वर वहाँ थे 5 यानी 5 विजिटिंग स्कूल्स, विजिटिंग होते हैं वहाँ पर आए थे, बहुत से खिलाड़ी वहाँ खेल रहे थे क्योंकि वहाँ पर 5 स्कूल आए थे. एंड और इट वॉज यह था अ लिटिल छोटा सा इंटिमिडेटिंग होता है डरावना, टू सी देखने में सो मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोगों को प्लेइंग ऑन खेलते हुए द बैडमिंटन कोर्ट्स
ऑन द बैडमिंटन कोर्ट, यानी बैडमिंटन कोर्ट में बहुत सारे लोगों को खेलते हुए देखना, जो थोड़ा सा डरावना लग रहा था। द क्वालिफाइंग राउंड्स वर गोइंग ऑन, क्वालिफाइंग राउंड्स वर यानी थे, गोइंग ऑन चल रहे थे क्वालिफाइंग राउंड्स। मीता जम्प्ड इनटू एक्शन एंड वन आफ्टर अनदर शी प्लेड द मैचेस इन अ विनिंग स्प्री। मीता जम्प्ड इनटू एक्शन यानी मीता जो है तुरंत ही एक्शन लेती है, एंड और वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक शी प्लेड वह खेलती है मैचेस इन अ विनिंग स्प्री यानी वह जीत के उत्साह में खेलती है, खेल को जीत की दिशा में। एट लास्ट शी रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स एंड शी वुड बी प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फ्रॉम DPS मथुरा रोड। एट लास्ट आखिर में शी रीच्ड वह पहुँची द क्वार्टर फाइनल्स यानी क्वार्टर फाइनल्स में, एंड और शी वुड वह खेले ही शी वुड बी प्लेइंग वह खेल रही थी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एक मजबूत कंटेंडर होता है प्रतिभागी, फ्रॉम DPS मथुरा रोड यानी DPS मथुरा रोड की तरफ से वह एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में जो है खेल रही थी। हर कोच वॉर्न्ड हर, हर कोच यानी उसका कोच वॉर्न्ड हर उसे सावधान करता है, मीता प्ले योर गेम स्टीडली, प्ले खेलो योर गेम तुम्हारा गेम स्टीडली यानी दृढ़ता से अपना गेम खेलो। डोंट गेट कोट विद विक्ट्री और डिफीट, डोंट गेट कोट यानी मत पढ़ो विद विक्ट्री, विक्ट्री होता है जीत, डिफीट होता है हार, हार या जीत के चक्कर में मत पढ़ो। मीता थॉट शी अंडरस्टूड, मीता ने सोचा, सी अंडरस्टूड वह समझ गई थी। द नेक्स्ट डे सी बिगेन प्लेइंग हर गेम एंड वॉन द फर्स्ट मैच। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन शी बिगिन वह शुरू करती है प्लेइंग खेलना हर गेम अपना खेल, एंड और वॉन जीत के द फर्स्ट मैच यानी पहला मैच। अगले दिन उसने खेलना शुरू किया अपना गेम और वो फर्स्ट मैच यानी पहला मैच जीत गई। शी वॉज इलेटेड, शी वॉज वह थी, इलेटेड होता है प्रफुल्लित यानी खुशी से पागल हो जाती है वो। शी रिलैक्स्ड अ बिट, शी रिलैक्स्ड वह आराम करती है, अबिट यानी थोड़ा सा वह आराम करती है। हर कंटेंडर सुनीता बिगिन स्मैशिंग द शटल स्कॉक एंड विनिंग विद इन मिनट्स देवर वन ईच। हर कंटेंडर यानी उसकी जो प्रतिरोधी थी सुनीता बिगिन शुरू करती है स्मैशिंग फेंकना द शटल कॉक, उसकी जो प्रतिरोधी थी सुनीता वह शटल कॉक फेंकना शुरू करती है, एंड और विद इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में देवर वे थे वन ईच यानी वे एक एक हो गए। सुनीता गेव हर नो चांस टू मूव फॉरवर्ड एंड सून सी वॉज इन द लीड। सुनीता गेव, गेव का मतलब तो देना, हर उसे नो चांस यानी कोई भी मौका उसे ना देना, टू मूव, मूव होता बढ़ फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने का उसे कोई भी मौका सुनीता नहीं देती, एंड और सून जल्दी ही शी वॉज बहती इन द लीड आगे, और जल्दी ही सुनीता जो है वो आगे हो गई। शी वॉन द मैच, शी वॉन वह जीत गई मैच को, एंड और मीता वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मीता वॉज यानी थी वेरी डिसअपॉइंटेड यानी बहुत ही ज़्यादा निराश थी। सो वॉज हर कोच, सो वॉज यहाँ आना था, हर कोच टोल हर, ठीक है उसका कोच से बताता है या कहता है, यू बेटर पुल अप योर सॉक्स मीता, यू यानी तुम, बेटर बेहतर रहेगा, पुल अप ऊपर कर लो योर सॉक्स तुम्हारे मोजे मीता, तुम अपने मोजे ऊपर कर लो यही बेहतर रहेगा। इफ़ यू लोज वन मोर टाइम यू विल बी आउट ऑफ द स्कूल टीम, इफ़ यदि यू लोज तुम हार गई, वन मोर टाइम एक बार और अगर तुम हार गई, यू विल बी आउट तुम बाहर हो जाएगी, हो जाओगी ऑफ द स्कूल टीम यानी स्कूल टीम से तुम बाहर हो जाओगी। मीता वॉज वेरी अपसेट, मीता वॉज यानी थी वेरी अपसेट बहुत उदास, मीता बहुत उदास थी। ऑन हर वे होम, ऑन हर वे होम यानी घर जाते हुए अपने रास्ते में, शी यूजुअली स्टॉप्ड एट द स्पोर्ट्स शॉप टू टॉक टू मिस्टर खन्ना वो हैड बीन अ स्टेट लेवल बैडमिंटन चैम्पियन।
शी वह यूजफुली यानी हमेशा की तरह स्टॉप्ड रुकती थी एट द स्पोर्ट्स शॉप यानी खेल की दुकान पर टू टॉक बात करने के लिए टू मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना से अपने घर जाते हुए रास्ते में वह हमेशा मिस्टर खन्ना से स्पोर्ट्स की शॉप पर बात करती थी। वो हैड बीन जो कि था अ स्टेट लेवल एक स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर का बैडमिंटन चैम्पियन थे वे। शी डिबेटेड वह जो है डिबेट करती थी। शी वॉज फीलिंग वेरी लो राइट नाउ शी वॉज वह थी फीलिंग महसूस कर रही थी वेरी लो बहुत ही ज़्यादा यानी थका हुआ महसूस कर रही थी राइट नाउ उस समय वह बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही थी। जस्ट देन तभी मिस्टर खन्ना सो हर एंड कॉल्ड हेलो मीता। मिस्टर खन्ना सा मिस्टर खन्ना ने देखा हर उसे एंड कॉल्ड और पुकारा। मिस्टर खन्ना ने उसे देखा और पुकारा हेलो मीता ऑफ इन अ हरी टुडे यानी आज जल्दी में हो। व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड व्हाई क्यों आर यू यानी तुम लुकिंग दिख रही हो सो सैड बहुत उदास दिख रही हो तुम आज। सो मीता हैड टू स्टॉप सो इसलिए मीता हैड टू स्टॉप मीता को रुकना पड़ा। शी एंटर्ड द शॉप शी यानी वह एंटर्ड प्रवेश कर गई द शॉप दुकान में वह प्रवेश कर गई। मिस्टर खन्नाज इनक्रेजिंग वर्ड्स ऑलवेज हेल्प्ड मिस्टर खन्नाज यानी मिस्टर खन्ना के इनक्रेजिंग होता है उत्साहित करने वाले प्रोत्साहित करने वाले वर्ड्स शब्द ऑलवेज हमेशा हेल्प मदद करते थे। मिस्टर खन्ना के प्रोत्साहित करने वाले शब्द हमेशा जो है वो मदद करते थे। व्हाट हैपेंड लॉस्ट द गेम टुडे व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ लॉस्ट यानी हार गए द गेम खेल टुडे यानी आज का गेम हार गए। मीता नोडेड नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना मीता ने सिर हिलाया। शी वॉज वेरी अपसेट शी वॉज वह थी वेरी अपसेट यानी बहुत उदास थी वह। नेवर माइंड सेड मिस्टर खन्ना नेवर माइंड यानी चिंता मत करो सेड कहा मिस्टर खन्ना ने कहा। विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ बट मोर ऑब्वियस फॉर स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन। विनिंग यानी जीतना एंड लूजिंग हारना इज़ अ पार्ट एक हिस्सा है ऑफ लाइफ जिंदगी का हारना और जीतना जिंदगी का एक हिस्सा है बट लेकिन मोर ऑब्वियस यानी ज़्यादा स्थिर है फॉर स्पोर्ट्स मैन खिलाड़ियों के लिए एंड वुमेन और महिलाओं के लिए। ही पैटेड हर ऑन द शोल्डर ही पैटेड वह थपथपाता है हर यानी उसके ऑन द शोल्डर कंधे पर वह उसके थपथपाता है। ऑल गुड प्लेयर्स हैव अप्स एंड डाउन्स ऑल सभी गुड प्लेयर्स यानी अच्छे खिलाड़ियों में हैव आते हैं अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव आते हैं सभी खिलाड़ियों में। बट आई हैव लॉस्ट द गेम थ्री मैचेस आई हैव लॉस्ट द लास्ट थ्री मैचेस सेड मीता बट लेकिन आई हैव लॉस्ट यानी मैं हार गई द लास्ट यानी पिछले थ्री मैचेस तीन मैच लेकिन मैं पिछले तीन मैच हार गई सेड मीता मीता ने कहा। आई विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कूल टीम इफ़ आई डोंट विन नेक्स्ट टाइम आई विल बी ड्रॉप्ड यानी मैं बाहर कर दी जाऊँगी फ्रॉम द स्कूल टीम से इफ़ यदि आई डोंट विन मैं नहीं जीती नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार अगर मैं नहीं जीती तो मुझे स्कूल टीम से बाहर कर दिया जाएगा। हाउ एवर हार्ड आई प्रैक्टिस यानी जितनी भी मैं कठिन मेहनत करूँ आई एम नॉट एबल टू विन अ मैच मैं आई एम नॉट एबल एबल का मतलब है समर्थ होना टू विन जीतने में अ मैच यानी कोई भी मैच जीतने में मैं समर्थ नहीं हो पाती। माई लक हैज़ रन आउट माई लक मेरा भाग्य हैज़ रन आउट यानी चला गया है। मे बी शायद या हो सकता है बट इन दैट केस बट लेकिन इन दैट केस इस केस में यानी इस मामले में इट्स योर लक इट्स टाइम योर लक चेंज्ड यानी इस बार योर लक तुम्हारा भाग्य चेंज यानी बदल गया है। गिव मी अ मिनट एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट गिव मी मुझे दो अ मिनट यानी एक मिनट एंड और लेट्स सी चलो देखते हैं इफ़ यदि वी कैन डू हम कर सकते हैं समथिंग कुछ अबाउट इट इसके बारे में। क्या कहते हैं मिस्टर खन्ना कि मुझे एक मिनट दो चलो देखते हैं कि क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मीता वेटेड फॉर मिस्टर खन्ना एज ही वेंट इनटू द बैक ऑफ द शॉप मीता वेटेड मीता इंतज़ार करती है फॉर मिस्टर खन्ना का एज क्योंकि ही वेंट वह गया इनटू द बैक यानी पीछे ऑफ द शॉप दुकान के। मिस्टर खन्ना मीता जो है मिस्टर खन्ना का इंतज़ार करती है जब वह अपनी दुकान के पीछे चला गया।
ही केम बैक इन अ फ्यू मिनट्स. ही केम वह आया, बैक वापस, इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों में वह वापस आया. ही वॉज होल्डिंग आ रैकेट इन अ कवर विच वॉज नॉट न्यू. ही वॉज होल्डिंग वह पकड़े हुए था अ रैकेट एक रैकेट को इन अ कवर एक कवर में विच जो कि वॉज नॉट नहीं था न्यू यानी नया. वह एक कवर में एक रैकेट पकड़े हुए थे जो कि नया नहीं था. ही हेल्ड इट आउट टू मीता. ही हेल्ड इट वे पकड़ा देते हैं आउट टू मीता, मीता को इसे पकड़ा देते हैं. दिस इज़ द रैकेट आई वॉन माई मैचेज़ विद. दिस इज़ यह है द रैकेट वो रैकेट आई वॉन मैंने जीते हैं माई मैचेज़ मेरे मैच विद यानी इसके साथ में. यह वो रैकेट है जिससे मैंने ये सारे मैच जीते हैं. ऑफ कोर्स इट्स ओल्ड बट इट हैज़न्ट लॉस्ट एनी ऑफ इट्स मैजिक. ऑफ कोर्स यानी वास्तव में निसंदेह इट्स ओल्ड यह पुराना है बट लेकिन इट हैज़ नॉट लॉस्ट इसने नहीं खोया है एनी ऑफ इट्स मैजिक यानी कोई भी इसका जादू इसने नहीं खोया है. हेयर आई विल लैंड इट टू यू. हेयर यहाँ पर आई विल लैंड मैं तुम्हें उधार दूंगा इसे. मीता लुक्ड एट इट विद ऑ एंड डिलाइट. मीता लुक यानी देखते हैं एट इट इसकी तरफ विद ऑ यानी आश्चर्य से एंड डिलाइट और खुशी से इसकी तरफ देखती है. वाओ इज दिस योर विनिंग रैकेट सेड मीता. वाओ इज यानी है दिस ये है यो तुम्हारा विनिंग रैकेट यानी जीतने वाला रैकेट. क्या यह तुम्हारा जीतने वाला रैकेट है सेड मीता. मीता ने कहा यस इट इज़ हाँ यह है एंड इट विल बी योर्स टू रिप्लाइड मिस्टर खन्ना. ये मतलब हाँ यह है एंड और इट विल बी यह हो जाएगा योर्स टू तुम्हारा भी यह विनिंग रैकेट हो जाएगा. रिप्लाइड यानी मिस्टर खन्ना उत्तर देते हैं. मीता टुक द रैकेट विद अ लॉट ऑफ प्राइड. मीता ने टुक यानी लिया द रैकेट रैकेट को विद अ लॉट लॉट होता है बहुत सारा प्राइड यानी खुशी के साथ मीता ने वो रैकेट ले लिया. शी वेंट होम शी यानी वह वेंट चली गई होम यानी घर वह घर चली गई. मिस्टर खन्ना हैड गिवन हर हिज विनिंग रैकेट एंड शी वुड नॉट लेट हिम डाउन. मिस्टर खन्ना हैड गिवन हर मिस्टर खन्ना ने उसे दिया था हिज उसका विनिंग स्प्रिट रैकेट यानी जीतने वाला रैकेट एंड और शी वुड नॉट लेट हिम डाउन और वो उसे निराश नहीं करना चाहती थी. नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते देर वॉज अनदर ग्रुप ऑफ स्कूल्स विजिटिंग. देर वॉज वहाँ था अनदर ग्रुप यानी एक दूसरा समूह ऑफ स्कूल्स स्कूलों का विजिटिंग यानी जो आया हुआ था. हर कोच लुक्ड एट हर एंड सेड इन अ शॉर्ट ऑफ वार्निंग टोन. हर कोच यानी उसका कोच ने लुक देखा एट हर उसकी तरफ एंड सेड और कहा इन अ शॉर्ट एक छोटे से वार्निंग टोन यानी चेतावनी भरे स्वर में उसे कहा मीता दिस इज़ योर चांस टू प्रूव योर सेल्फ. दिस इज़ यह है योर चांस तुम्हारा मौका टू प्रूव साबित करने का योर सेल्फ यानी तुम्हें खुद को साबित करने का यह तुम्हारा मौका है. आई वॉन्ट गिव यू अनदर वन. आई वॉन्ट गिव मैं नहीं दूंगा यू तुम्हें अनदर वन यानी कोई और दूसरा मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा. दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन शी सेड टू हर सेल्फ. दिस टाइम यानी इस बार आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रही हूँ टू गिव इन यानी इस बार मैं हार नहीं मानूंगी. शी सेड टू हर सेल्फ वह खुद से कहती है. शी प्लेड द गेम इन अ फ्लो शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर. शी प्लेड उसने खेला द गेम खेल को इन अ फ्लो एक ऐसे प्रवाह में शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर यानी नेवर का मतलब होता कभी नहीं फेल्ट यानी महसूस किया बिफोर पहले. उसने गेम को एक ऐसे प्रवाह में खेला जो भी उसने उससे पहले कभी नहीं महसूस किया था या खेला था. सी रीच्ड द सेमीफाइनल्स. सी रीच्ड वह पहुंच गई सेमीफाइनल्स में. हर कोच वॉज प्लीज्ड. हर कोच यानी उसका कोच वॉज यानी था प्लीज्ड खुश. उसका कोच खुश था बट लेकिन सेड कहा उसने कहा मीता डोंट लेट विक्ट्री और डिफीट अफेक्ट यू जस्ट प्ले अ स्टेडी गेम. मीता डोंट लेट विक्ट्री यानी जीत को और डिफीट हार को अफेक्ट यू यानी अपने ऊपर हावी मत होने दो. जस्ट प्ले सिर्फ खेलो अ स्टेडी गेम एक दृढ़ या स्थायी खेल खेलो. कीप योर आई ऑन द गोल. कीप रखो योर आई यानी तुम्हारी नज़र ऑन द गोल यानी लक्ष्य पर अपनी नज़र रखो. वी मस्ट विन दिस वन. वी मस्ट विन हमें जीत जाएंगे दिस वन इसको.
मीता नोडिड अगेन, मीता ने नोडिड एंड सिर झुकाया अगेन दोबारा, मीता ने दोबारा से सिर झुकाया या सिर हिलाया। शी वेंट इन टू प्ले द मैच एंड फोन अगेन, शी वेंट वह गई इन टू द प्ले खेल में, द मैच खेलने के लिए वह चली गई, एंड वोन और जीत गई अगेन दोबारा से, उसने दोबारा से खेलने के लिए चली गई वह मैच को और दोबारा से जीत गई। दिस रैकेट इज़ रियली लकी, सी थॉट टू हरसेल्फ। दिस रैकेट यानी यह रैकेट इज़ है रियली सच में लकी यानी भाग्यशाली, यह रैकेट सच में भाग्यशाली है, सी थॉट उसने सोचा, टू हरसेल्फ खुद में उसने सोचा। मीता वोन द फाइनल्स टू, मीता वोन यानी जीत गई द फाइनल्स टू, मीता जो है फाइनल्स भी जीत गई। शी वॉज इलेटेड वह बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थी या खुश थी। शी रियली वॉन्टेड टू स्टे ऑन द टीम एंड प्ले फॉर हर स्कूल, शी वह रियली यानी सच में वॉन्टेड चाहती थी टू स्टे ऑन रहना इन द टीम, टीम में, एंड प्ले और खेलना फॉर हर स्कूल यानी अपने स्कूल के लिए, वह सच में अपने टीम में रहना और अपने स्कूल के लिए खेलना चाहती थी। शी जस्ट कुडंट लेट हर स्कूल हर कोच बी डिसअपॉइंटेड अगेन, शी यानी वह जस्ट सिर्फ कुडंट यानी नहीं सकना, लेट चलो हर स्कूल यानी अपने स्कूल को, हर कोच अपने कोच को, बी यानी होना या करना डिसअपॉइंटेड और निराश अगेन दोबारा से, वह अपने स्कूल को अपने कोच को दोबारा से निराश नहीं करना चाहती थी। शी ऑलमोस्ट रन ऑल द वे टू मिस्टर खन्नाज स्पोर्ट्स शॉप, शी यानी वह ऑलमोस्ट यानी लगभग रन भाग कर जाती है ऑल द वे पूरे रास्ते में टू मिस्टर खन्ना स्पोर्ट्स शॉप, मिस्टर खन्ना के खेल की दुकान की तरफ वह भाग कर जाती है। आई हैव वोन मैं जीत गई, आई हैव वोन मैं जीत गई। शी टोल्ड हिम एक्साइटेडली, शी टोल्ड उसने बताया, हिम यानी उससे एक्साइटेडली यानी उत्साह के साथ उसने उसे बताया। शी हेल्ड आउट द रैकेट, शी यानी उसने हेल्ड आउट बाहर निकाला द रैकेट, रैकेट को उसने बाहर निकाला। All because of your lucky racket, she exclaimed. All यानी सभी because क्योंकि of your तुम्हारे lucky है ना भाग्यशाली racket की वजह से हुआ है, she exclaimed उसने बताया। It's not the racket बेटा, said Mr. Khanna. It's not यह नहीं है the racket, यह बेटा यह racket नहीं है, said कहा Mr. Khanna ने कहा। It's you यह तुम हो, and all the practice you put in, and or all the practice यानी वो सारा अभ्यास you put in जो तुमने इसमें डाला है। You were losing your confidence because of the matches you had lost. You तुम वर यानी थी losing हार रही थी। Your confidence तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम अपना आत्मविश्वास जो है वो हार रही थी because क्योंकि of the matches उन मैचों की वजह से you had lost जिनमें तुम हार गई। All you needed was a confidence booster. All you need यानी जो तुम्हें चाहिए था वो यानी था confidence booster, एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला तुम्हें चाहिए था। By believing in the racket, you got your confidence back. By believing यानी विश्वास करके in the racket, racket में विश्वास करके you got तुम्हें मिल गया your confidence तुम्हारा आत्मविश्वास back यानी वापस, इस racket में विश्वास करके तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास वापस मिल गया। You are a good player. You तुम are यानी हो a good player एक अच्छी खिलाड़ी हो तुम, and or any racket will be lucky for you. एनी रैकेट यानी कोई भी रैकेट विल बी हो जाएगा लक्की भाग्यशाली फॉर यू तुम्हारे लिए। क्या कहते हैं मिस्टर खन्ना कि तुम एक अच्छी खिलाड़ी हो और कोई भी रैकेट तुम्हारे लिए भाग्यशाली हो जाएगा, सेड मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना ने कहा एंड स्माइल और मुस्कुराए। मीता वॉज हैप्पी एज सी वेंट होम, मीता वॉज इन थी हैप्पी खुश एज क्योंकि शी वेंट होम, वह उसके बाद वह घर चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।